Now in question number 5th ka sub question number 1, you have to divide x cube minus 64 ko aapko divide karne ka hai x minus 4 se. To pehla kya karenge pata hai, x raised to 3 tha na, wo hum log likhenge x cube, baad mein we write in ascending order for the power of x. So here x raised to cube hai plus 0 x square plus 0 x minus 64. That we have seen in practice set number 3.1. However, we have been writing it like this way. अगर आप लोगों ने मेरा previous video नहीं देखा रहेगा, you can go to the playlist and you can see that also. Now we have to divide this term by x minus 4. तो हम लोग लिखेंगे x minus 4 and we have to divide x cube plus 0 x square plus 0 x minus 64. अभी x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय क्या चाहिए, हम लोग को x क्यूब चाहिए ना, तो हम लोग x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. x स्क्वायर इंटू x क्या होता है, x क्यूब होता है. प्लस x स्क्वायर इंटू माइनस इज माइनस, x स्क्वायर इंटू 4 इज माइनस 4 एक्स स्क्वायर. तो हमको क्या चाहिए था स्टार्टिंग में, x क्यूब चाहिए था. आ गया देखो x क्यूब किसके साथ मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर के साथ. तो x क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर आना चाहिए, क्यूब के नीचे क्यूब आना चाहिए. डिवीजन में साइन होता है माइनस, जैसे माइनस का साइन आया एक्स क्यूब का साइन प्लस का चेंज होकर माइनस होएगा, माइनस का साइन चेंज होकर प्लस होएगा, देन वी हैव टू एड और वी हैव टू माइनस इट. एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब गेटिंग कैंसल, 0 प्लस 4 प्लस 0 नीचे का साइन देखने का, प्लस 4 प्लस 0 यानी 4 प्लस 0 कितना होता है, प्लस 4 एक्स स्क्वायर होता है, प्लस 0 एक्स हम लोग नीचे ले लेंगे 4 एक्स स्क्वायर के साथ. अभी वापिस x माइनस 4 इंटू क्या चाहिए मेरे को स्टार्टिंग में, 4 एक्स स्क्वायर चाहिए. मेरे पास x है सो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा आंसर 4 एक्स स्क्वायर आएगा स्टार्टिंग में. तो आई टू मल्टीप्लाई बाय 4 एक्स, so 4x into x will be 4x square, plus into minus is minus, 4 4s are 16x. So which number we are multiplied by 4x. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे plus 4x और यहाँ पे लिखेंगे 4x square minus 16x करके. Division में sign होता है minus का, तो write here minus. जैसे minus का sign है, नीचे का दोनों का sign change हो जाता है. प्लस 4 एक्स स्क्वायर का माइनस 4 एक्स स्क्वायर, माइनस 16 एक्स का प्लस 16 एक्स होने वाला है. यू हैव टू सी द डाउन व्हाट यू कॉल साइन हियर, 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर इज गेटिंग कैंसल, प्लस 16 प्लस 0, 16 प्लस 0 इज 16 ओनली, 16 एक्स. बाद में माइनस 64 था उसको हम लोग यहाँ पे लेंगे माइनस 64 करके. वापिस हम लोग लिखने वाले हैं एक्स माइनस 4. अभी क्या चाहिए मेरे को, आई वॉन्ट प्लस 16x माइनस 16x माइनस 64. तो फिर x माइनस 4 मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, स्टार्टिंग में मेरे को 16 चाहिए तो मैं यहाँ पे 16 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा. तो 16 इंटू एक्स होता है 16x, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 16 4 था 64. तो फिर किसके साथ मल्टीप्लाई किया हम लोग ने, प्लस 16 के साथ मल्टीप्लाई किया. आंसर हमारे पास आया 16x माइनस 64. डिवीजन में हमेशा साइन होता है माइनस का, पुट हियर माइनस. जैसे माइनस का साइन आया नीचे का दोनों का साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस. 16x माइनस 16 इज गेटिंग कैंसल, माइनस 64 प्लस 64 इज गेटिंग कैंसल, यू आर गेटिंग द रिमाइंडर एज 0. सो नाउ you have to write down in this format, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So to write it here, x cube minus 64 is equal to x minus 4 multiplied by x square plus 4x plus 16 and it is plus remainder is 0. So like this way, in this format, you have to write down the final answer that I told you all in your textbook. So written it here,
एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 ब्रैकेट में प्लस 0 हमारा रिमाइंडर आ गया। नाउ वी सी टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन नंबर 2। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 5x^5 + 4x^4 - 3x^3 + 2x^2 यू हैव टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स किसको डिवाइड करने का है 5x^5 + 4x^4 - 3x^3 + 2x^2। बाद में यहाँ पे x नहीं दिया हुआ इसके लिए प्लस 0x + 2। सी 5x^5 + 4x^4 - 3x^3 + 2x^2 x नहीं दिया हुआ है। मैंने क्या है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सब टर्म्स लिखने का हम लोगों x^5 के बाद 4, 3, 2, 1 तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है इसके लिए प्लस 0x + 2। नाउ वी हैव टू डिवाइड इट बाय व्हाट वी हैव टू डिवाइड इट बाय x^2 मींस x² माइनस x के साथ हम लोग को यहाँ पे मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करने का है। नाउ x² माइनस x आई एम राइटिंग इट हियर किसके साथ स्टार्टिंग टर्म क्या है 5x^5 तो मेरे को 5x³ के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा करेक्ट। सो व्हेन आई मल्टीप्लाई इट बाय x³ 5x³ सो वी गेटिंग द आंसर हियर। सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर 5x³ × x² विल बी 5x³ + 2 = 5 - 5 × 1 = 5 x^3 + 1 = 4। तो फिर हमारे पास स्टार्टिंग का टर्म का आंसर आया गया इट इज 5x^5 - 5x^4 डिवाइड में हमेशा साइन माइनस का साइन आते ही नीचे का दोनों का साइन चेंज हो जाएगा प्लस 5x^5 का माइनस का होने वाला है प्लस 5x^5 सॉरी हियर द साइन विल बी माइनस क्योंकि हियर व्हाट इज द साइन हियर प्लस 5x^5 था तो प्लस का ऑपोजिट आएगा माइनस और माइनस का ऑपोजिट आने वाला है यहाँ पे प्लस इट इज लाइक दिस वे सी प्लस 5x^5 था तो प्लस का ऑपोजिट आएगा माइनस सो 5x^5 - 5x^5 गेटिंग क्या आंसर +4 + 5 = +9x^4 करेक्ट 5 + 4 = 9x^4 विल बी एज इट इज। देन आई विल राइट हियर व्हाट -3x^3 मीन्स -3x³ वापिस हम लोग लेंगे x² - x पहला टर्म क्या चाहिए मेरे को 9x^4 चाहिए तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करूंगा और x² से मल्टीप्लाई करूंगा सो फिर 9 × 1 = 9 एंड x^4 - 9 × 1 = 9 2 + 1 = x^3 तो मैं यहाँ पे लिखता हूं +9x² और यहाँ पे 9x^4 - 9x^3 डिवाइड में हमेशा साइन होता है माइनस का तो प्लस 9 का होएगा माइनस 9 का होने वाला प्लस 9x^4 - 9x^4 = 0 +9 - 3 नीचे का साइन देखो 9 - 3 कितना होता है 6x^3 जैसे ही लिखेंगे उसके बाद +2x² लिखो आप लोग वापिस आपको क्या कर लेना है x² - x यू हैव टू मल्टीप्लाई स्टार्टिंग टर्म क्या चाहिए 6 नंबर चाहिए और x³ चाहिए तो मैं 6 × x करूंगा तो x² होने वाला है x³ 6 × 1 = 6 6x³ - 6x² x² तो मैं किसके साथ मल्टीप्लाई किया +6x के साथ आया मेरे पास 6x³ - 6x² डिवीजन में साइन होता है माइनस का तो +6x³ - और -6 का होने वाला है प्लस तो 6 - 6 = 0 6 + 2 = 8x² और उसके बाद मैं लेने वाला हूं +0x करेक्ट। सो आई रिटर्न इट हियर 8x² + 0x सो अगेन व्हाट वी वांट हियर क्या चाहिए हम लोग को 8x² चाहिए
तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, स्टार्टिंग टर्म है एट एक्स स्क्वायर, तो मैं एट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो एट इंटू वन इज एट, एट इंटू एक्स स्क्वायर विल बी एट एक्स स्क्वायर माइनस एट इंटू वन इज एट एक्स, सो आई राइट हियर प्लस एट, एट एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स, डिविजन में साइन होता है माइनस का, तो नीचे का दोनों का साइन चेंज, इधर एक माइनस यहाँ पे प्लस, सो एट माइनस एट इज जीरो, जीरो प्लस एट एक्स इज एट एक्स, वॉट इज रिमेनिंग योर प्लस टू। देखिए मेरे को किसके साथ ये डिवाइड करने का है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के साथ हमको डिवाइड करने का है, एंड वी आर गेटिंग योर एज एट एक्स ओनली, एट एक्स प्लस टू, सो एट एक्स प्लस टू और एक्स स्क्वायर है तो हम लोग इसको डिवाइड नहीं कर सकते, सो दैट बिकम्स माई रिमाइंडर, करेक्ट, सो दिस इज अवर रिमाइंडर पार्ट। नाउ यू राइट इन दिस फॉर्म डिविडेंड इज इक्वल टू, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, फाइव एक्स रेस टू फाइव प्लस फोर एक्स रेस टू फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय फाइव एक्स क्यूब प्लस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट एंड प्लस रिमाइंडर विल बी एट एक्स प्लस टू, दैट इज योर रिमाइंडर पार्ट, सो लाइक दिस वे यू हैव टू राइट डाउन द आंसर हियर। सो इन दिस फॉर्मेट यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। फाइव एक्स रेस टू फाइव प्लस फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स क्यूब, फाइव एक्स रेस टू फाइव प्लस फोर एक्स रेस टू फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय अगेन ब्रैकेट ओपन फाइव एक्स क्यूब प्लस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज वॉट एट एक्स प्लस टू, दैट इज अवर रिमाइंडर, सो वी आर रिटन इन दिस फॉर्मेट। नाउ वी विल सी टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। सो क्वेश्चन नंबर सिक्स में आप लोग को एक रेक्टेंगुलर फील्ड के बारे में दिया हुआ है जिसका लेंथ दे आर गिवन टू यू एज टू ए स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर और ब्रेड्थ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो जो रेक्टेंगुलर प्लॉट में फार्मर क्या करे, एक छोटा सा हम लोग उसका घर बना रहे जिसका साइड ऑफ द स्क्वायर स्क्वायर टाइप में घर बना रहे, तो साइड ऑफ द प्लॉट इज बी गिवन टू एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग को क्या करने का पड़ता है, रिमेनिंग एरिया फाइंड करने का है, तो पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ उसका छोटा सा जो घर है वो, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा उसका रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फॉर्म, दैट विल बी अवर आंसर। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का देखेंगे, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ एल इनटू बी, इट इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जैसे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर में किए थे, टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर जैसे ब्रैकेट ओपन हो जाते हैं, तो टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अगेन टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई होता है, टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, हियर द साइन विल बी प्लस, देन अगेन प्लस, अभी थ्री बी स्क्वायर ए स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई होगा, थ्री बी स्क्वायर बी स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई होता है, तो थ्री बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, करेक्ट, सो वेन वी आर ओपनिंग अप द ब्रैकेट इट विल बी लाइक दिस वे, यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स हियर, सो आई मल्टीप्लाइड इट हियर, सो टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, देखो बीच में का साइन प्लस, बाद में अगेन प्लस, थ्री बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितना होता है, टू ए रेस टू टू और ए मल्टीप्लाई बाय ए रेस टू टू, टू प्लस टू इज फोर, सो टू ए रेस टू फोर प्लस
टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे अल्फाबेट अलग अलग है इसके हम ऐड नहीं कर सकते, ए स्क्वायर आएगा यहाँ पे बी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी प्लस थ्री ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बाद में प्लस थ्री बी रेस टू फोर बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, टू प्लस टू इज फोर, तो फिर हमारा आंसर है प्लस थ्री बी रेस टू फोर, इट इज लाइक दिस वे। नाउ व्हाट विल डू इट हियर, we have to add the like terms, so what are the like terms, 3a square b, a square b square, a square b square like terms hai, to 3 plus 2 hum log karenge, it is 2a raised to 4 plus 5a square b square plus 3b raised to 4, ye hamara total area ho gaya rectangular field ka, ab humko side of the square of diya hua hai, साइड ऑफ स्क्वायर हाउस इट इज हाउ मच द गिवन टू यू एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट इज बीन गिवन गिवन टू अस साइड ऑफ द स्क्वायर हाउस, नाउ एरिया ऑफ द स्क्वायर हाउस इज व्हाट, therefore area of square house, what is the area for square house, area of square is what, it is a side square, so area of square is what, side square means it is a square माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, करेक्ट, सो वी कैन राइट इन टू टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया था यहां पे भी सेम वे में मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई होएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई होता है माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अगेन माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई होता है, तो इट विल बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई होता है, इट इज प्लस बी रेस टू फोर, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, इंटू बी स्क्वायर इज बी रेस टू फोर, इट इज लाइक दिस वे, सो वी गॉट द आंसर एज हियर ऑल्सो बाय मिस्टेक रिटन एज स्क्वायर, इट इज ए रेस टू फोर, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज ए रेस टू फोर, इट इज सो ए रेस टू फोर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेस टू फोर, सो वी आर गेटिंग द आंसर एज इट इज इक्वल टू ए रेस टू फोर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वी कैन एड क्योंकि दोनों का लाइक टर्म्स है, तो माइनस वन कितना होता है माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेस टू फोर, इट इज लाइक दिस वे, सो व्हाट द कॉन्सेप्ट क्लियर हियर, यह हमारा हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर हाउस, सो दिस इज अवर एरिया ऑफ स्क्वायर हाउस, और जो ऊपर आया था हमारा आंसर टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का 2 ए रेस टू 4 प्लस 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3 बी रेस टू 4, अभी हमको क्या चाहिए, वी वांट द रिमेनिंग एरिया, सो अवर रिमेनिंग एरिया इज इक्वल टू रिमेनिंग एरिया इज इक्वल टू जो रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया आया था उसको माइनस करेंगे स्क्वायर हाउस का आंसर के साथ, सो टू ए रेस टू फोर प्लस फाइव ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस थ्री बी रेस टू फोर माइनस ए रेस टू फोर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेस टू फोर, माइनस साइन आते ही ये तीनों टर्म का साइन चेंज हो जाता है, दैट यू नो इट इज इक्वल टू टू ए रेस टू फोर प्लस फाइव ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस थ्री बी रेस टू फोर माइनस ए रेस टू फोर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी रेस टू फोर, करेक्ट, सो देखो प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, इट इज लाइक दिस वे, नाउ व्हाट विल डू, विल टेक द लाइक टर्म्स टूगेदर, सो टू ए रेस टू फोर माइनस ए रेस टू फोर, इट इज हाउ मच, सो टू ए रेस टू फोर माइनस ए रेस टू फोर इज
2 minus 1 is 1 a raised to 4. Then again, here plus 5 a square b plus 2 a square b. Plus plus is plus. So 5 plus 2 कितना होता है? 7 a square b square. बाद में plus 3 b raised to 4 minus b raised to 4. यानी minus 1 b raised to 4. So 3 minus 1 कितना हो गया? 2. So plus 2 b raised to 4. So this is your final answer for question number 6. You got the answer as a raised to 4 plus 7 a square b square plus 2 b raised to 4 is your final answer. And hence we have completed our question number 6 also. So the whole practice set was very much easy. But it is totally dependent upon the practice only. सॉल्यूशंस होने अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे सो विल कम टू नो यू शुड नो द एक्सपेंसेस आल्सो बेस्ड ऑन द एक्सपेंसेस ओनली वी हैव सॉल्वड आवर फुल प्रैक्टिस सेट होप दैट व्हाटएवर आई हैव टॉट यू आई टॉट इन वेरी इजी मैनर सो प्लीज प्रेस द लाइक बटन प्लीज शेयर विद ऑल आवर फ्रेंड्स आल्सो एंड प्लीज सब्सक्राइब इट आल्सो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल थैंक्स अ लॉट